नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हमारे पास है T10 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कैसे आप इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के साथ, कैसे दोस्तों आप इस वॉच में डे डेट टाइम सेट कर सकते हो, एंड दोस्तों कैसे आप इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग को इनेबल कर सकते हो, एंड दोस्तों कैसे आप इस वॉच में कस्टमाइज वॉच फेस सेट कर सकते हो। अगर आपने खुद की फ़ोटो लगानी है एज अ वॉच फेस तो दोस्तों वो आप इस वॉच में कैसे लगा सकते हो, ये दोस्तों सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वॉच को फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों ये ऐप आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है। हाई वॉच प्रो ऐप है ये, दोस्तों आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। एंड दोस्तों ऐप को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रखना है, एंड जो लोकेशन वाला ऑप्शन होता है दोस्तों वो भी आपने ऑन रखना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे कुछ ऐप आपको देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको ऐप में एक ऑप्शन मिल जाता है सेट वाला ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आपने आ जाना है, एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है बाइंड डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्कैन करोगे तो देखिए दोस्तों ऐसे आपकी वॉच यहाँ पर शो करेगी T10 अल्ट्रा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आपने वॉच को सेलेक्ट कर लेना है, एंड देखिए दोस्तों अब ये जो वॉच है हमारे स्मार्टफोन से देखिए कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड दोस्तों कनेक्ट होने के बाद वॉच में जो डे डेट टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन के साथ पेयर हो चुकी है। यहाँ पे देखिए T10 अल्ट्रा हमारे स्मार्टफोन से कनेक्टेड शो कर रही है। एंड दोस्तों इस वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर भी मिल जाता है। एंड दोस्तों इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग को इनेबल करने के लिए दोस्तों आपने अपने फ़ोन के ब्लूटूथ लिस्ट में आना है, एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आप सर्च करोगे तो देखिए यहाँ पर भी T10 अल्ट्रा वॉच यहाँ पर आपकी शो करेगी। तो दोस्तों वॉच को आपने अपने फ़ोन के ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस से कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से देखिए वॉच को कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन के देखिए ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस में कनेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे आपके फ़ोन में ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस में वॉच कनेक्टेड शो होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप इस वॉच में जो कॉलिंग वाला फीचर है वो यूज़ कर पाओगे। आप दोस्तों डायरेक्टली इस वॉच से कॉल डायल भी कर सकते हो, एंड डायरेक्टली दोस्तों आप इस वॉच में कॉल रिसीव भी कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आपके फ़ोन के ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस में वॉच ऐसे कनेक्टेड शो नहीं कर रही है तो दोस्तों आप इस वॉच में जो कॉलिंग वाला फीचर है वो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन के साथ पेयर हो चुकी है। एंड दोस्तों जैसे ही वॉच आपके फ़ोन से पेयर हो जाती है वॉच में जो डे डेट टाइम है वो ऑटोमेटिकली ही सेट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि वॉच में आपने कस्टमाइज वॉच फेस कैसे सेट करना है। तो दोस्तों उसके लिए देखिए आपने ऐप में यहाँ पर आना है, डायल सेटिंग वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने स्मार्ट वॉच में सेट कर सकते हो। एंड दोस्तों सबसे नीचे अगर आप आओगे तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए कस्टम डायल वाला एक ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपने कोई भी एक वॉच फेस को सेलेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों अब आपने देखिए यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों अब आपने अपने फ़ोन की गैलरी से फ़ोटो को सेलेक्ट करना है जो भी दोस्तों आपने वॉच में सेट करनी है। तो चलिए एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। एंड दोस्तों फोटो को थोड़ा देखिए आप एडजस्ट भी कर सकते हो, जूम इन जूम आउट करके एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड फ़ोटो को एडजस्ट करने के बाद दोस्तों देखिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है राइट वाले ऑप्शन पर। देखिए दोस्तों फोटो भी सेट हो चुकी है। एंड दोस्तों अब आपने यहाँ पर क्लिक कर देना इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर। तो देखिए दोस्तों ये वॉच फेस अभी हमारे स्मार्ट वॉच में देखिए ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों एक कस्टमाइज वॉच फेस अभी हमने सेट किया था इस वॉच में और देखिए सेट हो चुका है और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ऐसे आप ये सारा प्रोसेस फॉलो करके इस वॉच को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो। वॉच में आप डेट टाइम सेट कर सकते हो, ब्लूटूथ कॉलिंग को भी इनेबल कर सकते हो, एंड कस्टमाइज वॉच फेस भी सेट कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी वॉच आपके फ़ोन से कनेक्ट नहीं होती है तो दोस्तों जस्ट आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने देखिए वॉच के मेन मेन्यू पर आना है, एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीसेट वाला। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपने वॉच को फैक्ट्री रीसेट कर देना है। एंड दोस्तों फैक्ट्री रीसेट करने के बाद दोस्तों आपने ये सारा ही प्रोसेस दोबारा से फॉलो करना है जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। एंड दोस्तों डेफिनेटली ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपकी वॉच आपके फ़ोन से पेयर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।